वालेकुम क्लास, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा दी रोटर। रोटर इज बेसिकली क्या होता है? सिलेंड्रिकल शेल कैपेबल ऑफ रोटेशन अबाउट इस वर्टिकली सिलेंड्रिकल एक्सिस। एक ऐसा सिलेंड्रिकल शेप में कोई भी आप कह लो शेल है जिसमें जो रोटेट होता है, ठीक है। अब इसको एक एग्जांपल से हम इसकी ज़रा देखते हैं कि कैसे वर्किंग है। अ मैन एंटर्स द रोटर, क्लोजेस द डोर एंड स्टैंड अप अगेंस्ट द वॉल, ठीक है। एक डोर से वो, ये आपको एक मैन दिखाया गया, ठीक है। तो क्या है कि वो एक डोर से एंटर हुआ है और एक वॉल के साथ जाके खड़ा हो गया और रोटर रोटेट करना शुरू हो गया, ठीक है। एट पर्टिकुलर प्री डिटरमाइंड स्पीड द फ्लोर बिलो हिज फीट इज़ ओपन डाउनवर्ड। और क्या होगा, नीचे का अगर हम फ्लोर ओपन कर दें तो क्या होगा? ऑब्वियसली आपके माइंड में यही होगा कि अगर नीचे का फ्लोर ओपन कर गए तो ये मैन नीचे गिर जाएगा। लेकिन आप क्या देख रहे हो, यू विल सी दैट द मैन डज नॉट फॉल बट रिमेन्स क्लंग अगेंस्ट द वॉल ऑफ द रोटर। बल्कि वो गिरा नहीं है, बल्कि दीवार के साथ जुड़ा रहा। किस वजह से जुड़ा रहा हम देखते हैं। द मिनिमम स्पीड ऑफ द रोटेशन नेसेसरी टू प्रिवेंट फॉलिंग कैन बी कंप्यूट एज अ फॉलोज। क्योंकि जो उस आदमी पे फोर्स अप्लाई हो रही है वो उसके वेट के इक्वल, अभी हम आगे मैथमेटिकली स्टेप्स में देखते हैं, लेकिन कुछ फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से वो नीचे डाउनवर्ड नहीं गिरा। क्या दिखा रहे हैं, द फोर्सेज ऑन द मैन स्टैंडिंग इन द रोटर आर, किस तरह की, उस कितनी किस्म की उस पर फोर्स अप्लाई हो रही है। इट्स वेट एम जी एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, उसका आदमी का जो वेट है वो उसको नीचे की तरफ, जारी बात है वेट हमेशा डाउनवर्ड वर्टिकली डाउनवर्ड होता है और वेट किसके इक्वल है एम जी के, ठीक है। एंड सेकेंड पॉइंट है फोर्स ऑफ द स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द मैन एंड द रोटर वॉल एक्टिंग अपवर्ड विच प्रिवेंट द फॉलिंग ऑन द वैन ऑफ द मैन। और जो स्टैटिक फ्रिक्शन वहाँ पे अप्लाई हो रही है वो, और जो रोटर स्टैटिक फ्रिक्शन क्या कर रही है, मैन और जो रोटर वॉल है उसको ऊपर की तरफ उस पर अप्लाई हो रही है, जिसकी वजह से देखिए जो मैन का उसका वेट नीचे की तरफ जा रहा है और जो स्टैटिक फ्रिक्शन की फोर्स है वो उसको अपवर्ड उस पर फोर्स अप्लाई हो रही है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, बैलेंस हो जाता है, इक्विलिब्रियम आ जाता है, जिसकी वजह से मैन फॉल नहीं किया। और थर्ड कंडीशन क्या बताइए, द नॉर्मल रिएक्शन एंड ऑफ द वॉल ऑफ द रोटर ऑन द मैन, ठीक है। इफ द मैन डज नॉट फॉल द नेट फोर्स अलोंग जेड एक्सिस टेकन पॉजिटिवली अपवर्ड इज जीरो, ठीक है। तो जेड एक्सिस के अलोंग जो फोर्स अप्लाई हो रही है वो कह रहे हैं यहाँ पे हमने जीरो के लिए के इक्वलेट कर लिए। तो सिग्मा एफ सी विच इज इक्वल टू एफ एस माइनस एम जी। एफ एस क्या है यहाँ पे, स्टेटिक फोर्स, स्टेटिक फ्रिक्शन।